रहता है। मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी, आज है 17 जून, और 17 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले वीडियो में एक हम रिविजन को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एम सी क्यू सॉल्व करेंगे, एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिविजन क्विज। रिविजन क्विज का पहला आंसर है कि किस दिन हम वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाते हैं। ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। दूसरा क्वेश्चन था कि अभी सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। सेंट्रल रेलवे लॉन्च अ रोबोट कॉल्ड, उसका नाम क्या है, इसका नाम हमको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत को 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स दे रहा है। तो कौन सा देश भारत को हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स दे रहा है, इसका आंसर बताना है आपको। और किस राज्य ने अपने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख लिया है। विच स्टेट हैज़ रीनेम्ड इट्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एज इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। और पांचवा क्वेश्चन है कि विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। कौन सा राज्य ISO सर्टिफिकेट जनजातीय हॉस्टल्स के लिए, मतलब जनजाति छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाना भारत का पहला राज्य बन गया है। चलते हैं रिविजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है उसे हम हर साल 15 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे को हम हर साल 15 जून को मनाते हैं। सेंट्रल रेलवे ने जो रोबोट लॉन्च किया था उसका नाम था कैप्टन अर्जुन। और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। US भारत को 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स दे रहा है। कौन दे रहा है, US मतलब अमेरिका। महाराष्ट्र ने अपने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल कर रख लिया है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। और जो ISO सर्टिफिकेट ट्राइबल हॉस्टल के लिए जो मिला है वो मिला है उड़ीसा को। ISO सर्टिफिकेट ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए किसे मिला है, तो उड़ीसा को मिला है, और उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQs सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अभी CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने ई ऑफिस नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार के द्वारा यह एक ई ऑफिस नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इस एप्लीकेशन के द्वारा CBIC अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वतः करने वाला सबसे बड़े सहकारी विभागों में से एक बन गया है। CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और इसके अभी अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। CBIC ने अभी बेंगलुरु और चेन्नई में ट्यूरन कस्टम्स नामक एक योजना भी शुरू की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थे। तो माधवराव पाटिल एक पूर्व सांसद थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये थे माधवराव पाटिल, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन हो गया। पाटिल 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। और अभी हाल ही में एक निधन और गया है, न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे का भी निधन हो गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया है। ये है मैट पूरे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1953 और 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 मैच टेस्ट में 355 रन बनाने और 9 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कैंटरबेरी के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोगाणुओं को मारने के लिए एक जर्मी बेन नामक डिवाइस लॉन्च की है। तो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री जी सतीश रेड्डी ने रोगाणुओं को मारने के लिए एक जर्मी बेन नामक डिवाइस लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह जर्मी बेन डिवाइस है, और इसे रोगाणुओं को मारने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी सतीश रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल एक्यूएशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमियों हब द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया इस नए डिवाइस में
99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब मनाया गया? तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 16 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस को हर साल 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस का फुल फॉर्म है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बेसिकली रेमिटेंसेस होते क्या हैं? जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में किसी दूसरे देश में काम करता है और अपने घर वालों को जो वह खर्चे के रूप में वहाँ से भेजता है, अपने देश में भेजता है, तो उसे हम रेमिटेंसेस के रूप में काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च की है? तो अभी ICICI बैंक ने एक इंस्टा फ्लेक्सी किक्स नामक सुविधा लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ICICI बैंक के द्वारा इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। पूरी तरह से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। इसे IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्वालिटी एंजेड कलिनरी कप 2020 जीता है? तो अभी अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एंजेड कलिनरी कप 2020 जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं अंगद सिंह राणा और यह एक सैफ हैं और इन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में उन्हें 50,000 रुपये मूल्य का क्वालिटी एंजेड लैम्ब और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक बेबर BBQ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है? तो अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा MSMEs के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं जो भारत की GDP का 29% हिस्सा हैं। हमारे MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना अनुव्रत विश्वास यानी इसके MD और CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नौवा क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो अनमोल नारंग पहली सिख बन गई है जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि ग्रहण की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है अनमोल नारंग और यही अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि ग्रहण करने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। वह लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मल्टी लोकेशनल क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? तो अभी EFPO ने मल्टी लोकेशनल क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। EFPO के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। EFPO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं ने मल्टी लोकेशनल क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में
मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अरुणाचल प्रदेश में यह वो मछली है जिसकी प्रजाति खोजी गई है, और इस मछली का नाम है सिजोथोरैक्स सिचु इरू मेंसिस, और इस मछली का नाम वहाँ पर बहने वाली नदियों के कारण पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COVID-19 की लोक शिकायतों की फीडबैक के लिए एक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? तो अभी जीतन सिंह ने COVID-19 की लोक शिकायतों की फीडबैक के लिए एक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंह द्वारा COVID-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। लॉन्च के दौरान मंत्री जी ने 4 नागरिकों के साथ COVID-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर लाइव संवाद किया और उनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण भी किया गया। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज हम स्टेट में गुजरात को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की स्थापना 1 मई 1960 को ही मानी जाती है, और गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा नदी पर बना है, और गुजरात में ही उकाई डैम है जो तापी नदी पर बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये है गुजरात। गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, और यहाँ पर यह अरेबियन साथ सी के साथ भी शेयर होता है। गुजरात में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। गुजरात में ही काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। गिर नेशनल पार्क में अभी हाल ही में एशियाटिक लायंस की संख्या में 29% की वृद्धि हुई थी। पूनम अवलोकन एक रिपोर्ट थी जिसके अनुसार गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस 523 से बढ़कर 674 हो गए हैं। चलते हैं आज की हमारी कंट्री डिस्कस करते हैं। आज की कंट्री में हम इंडोनेशिया को डिस्कस करेंगे। ए है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच पड़ता है। इंडोनेशिया ने अपनी हाल ही में अपनी जो कैपिटल है उसे पूर्वी कालीमंतन पर शिफ्ट करने का निर्णय भी लिया है। इंडोनेशिया से आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया से इक्वेटर लाइन भी गुजरती है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बोर्नियो द्वीप पर स्थापित करेगा, यानी बोर्नियो द्वीप पर एक कालीमंतन द्वीप है वहाँ पर वह स्थापित करेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास होती है जिसका नाम क्या है, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। ये आप देख सकते हैं, ये है कालीमंतन द्वीप, और इसी पर इंडोनेशिया अपनी राजधानी को शिफ्ट करेगा। इंडोनेशिया का ही सुमात्रा आइलैंड है, और अभी जो जकार्ता है वो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर है। आज पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य ने नमूना संग्रह अभियान की शुरुआत की थी? तो उत्तर प्रदेश ने नमूना संग्रह अभियान की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।